जैन साहब, श्रीमान, सब शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। बिस्की, पोड़का, ब्रांडी, रम, ये जवान की डाइट है। समय समय पर इसका सेवन किया जाए तो जवान के शरीर में बहुत कम रोगें पड़ती हैं। अगर कोई रोग पड़ भी जाती है तो जवान इस काबिल होना चाहिए कि रोग को रोग समझकर दूर कर सके। ये तभी संभव है जब किसी जवान ने पार्टी के दौरान जहाँ अच्छे से अच्छे बार रेस्टोरेंट में दारू पीने की रिहर्सल की हो। आज का उद्देश्य दारू की बोतल को खोलने तथा पीने और शरीर में पड़ने वाली रोगों को दूर करने का तरीका सिखलाना है। उद्देश्य एक बार फिर सुने, बोतल को खोलने तथा पीने और शरीर में पड़ने वाली रोगों को दूर करने का तरीका सिखलाना है। सबक आसानी से समझे, इसलिए हम सबक को चार भागों में चलाएंगे। भाग नंबर एक, सबक संबंधी सामान, दारू का निरीक्षण करें, टेबल कुर्सी, पानी बोतल, सलाद, स्नैक्स, लेग पीस, सिगरेट माचिस और ज़रूरत के अनुसार चीज़ें। लेते हैं भाग नंबर दो, बोतल को खोलने तथा पीने का तरीका सिखलाना है। दाएं वाला हाथ जेब से बाहर निकालें और बोतल को मध्य से पकड़ो, चारों उंगलियां बाहर से और अंगूठा अंदर से। बोतल को 12 बजे की लाइन में सामने लाएं। बाएं हाथ की मदद से बोतल के बॉटम को ठपकी लगाएं, फिर बाया हाथ दक्कन पर ले जाएं, दक्कन को घड़ी के उल्टे रुख घुमाएं, बोतल खुली मिलेगी। जवान के हर ग्लास में रम डालें, पानी थोड़ा कम डालें। जवान इस काबिल होना चाहिए ग्लास में पड़ी रम को एक ही गुट में डक डक पी जाए। लेते हैं भाग नंबर तीन, दारू को पीने के बाद होने वाली खराबी को दूर करने का तरीका सिखलाना है। अगर दारू आपका सिर पकड़ ले तो इमली का सेवन करें, जहाँ आप आने वाली उल्टियों से परेशान हैं तो उस रात के लिए बाथरूम में बिस्तर डालें। जहाँ तक के सबक में किसी भी जवान का कोई सवाल नहीं तो लेते हैं भाग नंबर चार, दारू से आने वाली स्मेल को दूर करने का तरीका सिखलाना है। अगर आप चाहते हैं कि दारू से स्मेल ना आए तो दारू में इन्नू डालकर पिएं। अगर समय पर इन्नू ना मिले, आफ्टर पैग अमरूद, आम या जामुन का पत्ता, सौंफ या इलायची का सेवन करें। उम्मीद करता हूँ सबक सबको आसानी से समझ आया हो। सबको में किसी भी जवान का कोई शक या सवाल नहीं तो क्लास सावधान बैठ। जय हिंद साहब, सबक समाप्त है, क्लास को ब्रेक करने की अनुमति चाहता हूँ। क्लास खड़ा हो, लाइन तोड़।